सुबह सुबह गोरसा कहाँ चले गए? कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं, हकीकत है। इसका मतलब गोरसा की जान खतरे में है। और गोरसा यू बिना बताए अचानक कहाँ चले गए? कहीं उन्हें कुछ होना जाए। सुनिए जी, आपने कुंवरसा को कहीं देखा है? जी नहीं कुंवर रानी साहब। कहाँ चले गए कुंवरसा? क्या करने जा रहे थे आप? अगर वो सांप आपको काट लेता तो? गोरसा चलिए यहां से। दीदी, विराज बच कैसे गया? कल रात सितारा और विराज का संबंध तो हो गया था ना, तो अब तक तो हमारे बीच से उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। कैसे बच गया दीदी वो? यही तो है मेरा महादाव। दीदी, कब से आप अपने महादाव की बात कर रही हैं? लेकिन आपने अभी तक अपना महादाव हमें बताया भी नहीं। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। इस खेल का मजा तभी आएगा जब इसके पत्ते एक एक करके खुलेंगे, इसलिए बी पेशेंट। और वैसे भी वृंदा जी, आपने यामिनी को वो खानदानी हार देकर बहुत बड़ी भूल की है। उसका दिमाग खराब हो गया है, वो सबके सामने शो ऑफ कर रही है। वृंदा जी, वो हार हमारी खानदान की प्रतिष्ठा का प्रतीक है और वो उससे खेल रही है। अब इससे पहले कि और कुछ बुरा हो, आप प्लीज जाकर अपनी भूल सुधारिए। आप चिंता मत कीजिए लक्ष्मी जी, हम उन्हें अभी जाकर रोकते हैं। यामिनी, तुम्हें तो कोई हक ही नहीं है इतना ब्यूटीफुल दिखने का। और ये हार तो सोने पे सुहागा है। यामिनी जी, वृंदा जी, आप लोग यहाँ क्या हुआ? लक्ष्मी जी को आपके खानदानी हार पहनने से प्रॉब्लम है। क्या? हाँ यामिनी, ये हमारा खानदानी हार है और आपने इसे एक मजाक, एक दिखावे की चीज बनाकर रख दिया। ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? 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 इस पे सिर्फ आप ही का हक है। लक्ष्मी जी, आप शायद भूल रही हैं, यामिनी जी भी इस घर की बहू है, छोटी रानी है वो। उनका भी इस हार पे और बाकी सारी चीजों पे उतना ही हक है जितना कि आपका। और वैसे भी लक्ष्मी जी, शायद आप ये भूल रही हैं कि इस घर की मालकिन अब मैं हूं।
और इस हार के साथ, इस घर के साथ मैं क्या करती हूं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रेखा जी, बस आपकी आपकी इसी बात से ना मुझे इरिटेशन होने लग गई है। कल से मैं देख रही हूं, मैं कुछ भी कह रही हूं, आप हर बात में अपनी टांग अड़ाई जा रही हैं। मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। पहले तक मैं सोची थी बेचारी लक्ष्मी जी विधवा हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मुझे मुझे उन्हें इज्जत देनी चाहिए। बट नो, आई एम सॉरी, मुझे आपको कोई इज्जत इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त आपने अपने ऊपर जो कुछ भी पहना हुआ है, लादा हुआ है, उस पे भी सिर्फ मेरा हक है। कोई काम कीजिए अभी के अभी, जल्दी जल्दी फटाफट एक एक चीज उतार कर मुझे अभी दीजिए। देख क्या रही है लक्ष्मी जी, कम ऑन जल्दी चॉप चॉप। आहा वृंदा जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। एक मिनट, अब बैंगल्स भी दे दीजिए। दीजिए, थैंक यू। बहुत जल्दी आप लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। याद रखेंगे हम। कुंवरसा, आप ठीक है? कुंवरसा, आप बाहर क्या कर रहे थे? बाहर? कब? मैं कब गया बाहर? कुंवरसा बाहर सांपों के बीच थे और उन्हें याद भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो हमारे करीब आने के बाद इन्हें कुछ नहीं हुआ, और अब वो सांपों वाली बात भी नहीं याद इन्हें। इसका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। पानी। कुंवरसा, आप आराम कीजिए, मैं आती हूं। दिया, क्या हो गया आपको? अभी तक तो ठीक थे। क्या हो गया? Oh.
क्या कर रही है आप कुंवरसा के साथ? क्यों लेकर गई थी आप उन्हें सांप की बांबी के पास? कितने सवाल पूछती हो तुम, तुम्हारे सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। और तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, इतना सा तो दिमाग है तुम्हारा, इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। वैसे कल रात कैसी थी? तुम्हारे पति ने तुम्हें पहली बार छुआ, पत्नी होने का एहसास दिलाया, मजा आया कि नहीं? बकवास बंद कीजिए, ये बताइए कि आप गौरसा के साथ क्या कर रही है? क्या किया है ये जानने की उत्सुकता है, इस बात की खुशी नहीं कि तुम दोनों के एक होने के बाद भी तुम्हारा पति जिंदा है। मुझे धन्यवाद कहने की जगह तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। वेरी बैड। कितने प्यार से, कितनी मेहनत से वो मदहोश करने वाली मोमबत्तियां तुम्हारे कमरे में भिजवाई थी, अच्छी लगी? तुम दोनों एक हुए, पूरी रात एक दूसरे की बाहों में मग्न थे, मस्त थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी मांग में सिंदूर है। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, और तुम हो कि मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही हो। इतना तो मैं समझ गई कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका हाथ था, लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो कुंवर साहब पर अब तक मिलन का असर नहीं हुआ और उन्हें कुछ याद नहीं? सब कुछ अभी बता दूंगी, इतना जल्दी बता दूंगी तो खेल का मजा कैसे आएगा? और वैसे भी तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, सोचोगी तो शायद जवाब मिल जाएगा। वैसे मैं क्या सोच रही थी, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कभी लुक्का छुपी का खेल नहीं खेला, तो क्यों ना हम अब वो खेल खेलें, कितना मजा आएगा, है ना?